कुछ लोग फ़ोन को बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो उनके लिए मैं लेके आई हूँ 5 ऐसे रूल जो कि उनको हेल्प करेंगे और उनको करना चाहिए ये चीज़, ताकि आप भी सेफ रहो और आपका फ़ोन भी सेफ रहे, आपका फ़ोन ज़्यादा दिन तक चलेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अपने फ़ोन को किसी और फ़ोन के चार्जर से चार्ज नहीं करना है, अपने फ़ोन के रियल चार्जर से ही आपको चार्ज करना है। दैट मीन्स आपको उसी ब्रांड के चार्जर से चार्ज करना है। अपने फ़ोन को कभी भी 100% तक चार्ज होने के लिए चार्ज में लगा के नहीं छोड़ना है। कुछ लोग को लगता है कि 100% होने के बाद भी हम लोग का फ़ोन चार्ज होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 100% तक कभी चार्ज नहीं करना चाहिए, फ़ोन को हमेशा 95 या 97% तक ही चार्ज करना चाहिए, उसके बाद निकाल देना चाहिए। ये आपके फ़ोन को सेफ रखेगा ये तरीका। आपको अपने फ़ोन को चार्ज करते वक्त किसी से बात नहीं करना है, इससे आपकी जान को और आपके फ़ोन को दोनों को खतरा है, फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए आपको चार्ज करते वक्त बात नहीं करना है। अपने फ़ोन को हमेशा फ्लाइट मोड करके चार्ज करना चाहिए, इससे आपका फ़ोन सेफ रहेगा, आपका फ़ोन ख़राब नहीं होगा। फ़ोन को कभी नॉर्मली ऐसे चार्ज नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपका फ़ोन हमेशा वर्क करता रहता है। जो लास्ट टूल है वो ये है कि आपको अपने फ़ोन को डायरेक्ट कान पे लगाकर बात नहीं करना चाहिए। ये तरीका बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि फ़ोन की जो रेज होती हैं वो आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करती हैं, इसलिए आपको अपने फ़ोन में ईयरफोन लगा के बात करना चाहिए, इससे आप और आपका फोन दोनों ही सेफ रहेंगे।